Hello students, welcome to English Academy. Today we will study Class 8 English Honeydew Book Chapter 3, Glimpses of the Past, written by S.D. Sawant. Now this chapter is very different. It is in the form of comic strips. First of all, let us see the title. Glimpses means jhalkiyan. Past yani ki jo beet chuka hai hamara time, jise hum history bhi kehte hain. To is chapter mein basically hume kuch history ke bare mein pata chalta hai. हिस्ट्री के हमारे जो इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग टाइम्स थे, अलग अलग फेजेस थे, उनके कुछ कुछ हिस्से इस चैप्टर में लेकर हमें बताए गए हैं. हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हमारी धरती पर अलग अलग देशों से लोग आए, उन्होंने हम लोगों पर राज किया. ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, तो वही सब हमें यहाँ पर राइटर बता रहे हैं. सबसे पहला पार्ट है द मार्टियर्स. व्हाट इज मार्टियर? Martyr means a person who suffers death for a cause. I'll write it down for you. A person who suffers death for a cause. आसान शब्दों में हम मार्टियर को शहीद भी कहते हैं. ऐसे लोग जो अपने देश के लिए, अपने किसी भी ऐसे कॉज के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, उन्हें मार्टियर या शहीद कहा जाता है. तो यहाँ पर कुछ मार्टियर्स के बारे में हमें पता चलेगा. तो ये हमारी पहली कॉमिक स्ट्रिप है. दिस इज अ फंक्शन इन दिल्ली. तो दिल्ली में एक फंक्शन में, यहाँ आप इमेज में जिन्हें देख सकते हैं जो स्पीच दे रही हैं, ये हैं लता मंगेशकर, और उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री. सो दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम On 15th August 1947. यहाँ पर वो क्या बोल रही है? Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. What is sacrifice? Sacrifice means त्याग, to give up something. And martyrs हमने बता दिया, शहीद. तो यहाँ पर function में, speech में लता मंगेशकर सब भारतवासियों को कह रही हैं कि तुम अपनी आंखों में आंसू भर लो, ये याद करके कि भारत के शहीदों ने कितने बड़े बड़े त्याग दिए, कितने बड़े बड़े बलिदान दिए इस दिन के लिए, भारत को आजाद करवाने के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान दी. ये चीज हम सबको याद रखनी चाहिए. तो ये था हमारी कॉमिक स्ट्रिप का पहला पार्ट, द मार्टियर्स. अब हम आगे चलते हैं. सेकेंड स्टोरी है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम 1757 टिल 1849. अब यहाँ पर कंपनी कौन सी कंपनी है? दिस इज द ब्रिटिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिशर्स भारत में आए थे 1757 में. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश की थी. आए तो थे वो ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने बिजनेस की जगह क्या किया, इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया, भारत के लोगों पर राज करना शुरू कर दिया. कॉन्क्वेस्ट वर्ड का मतलब है डिफीट, किसी को हराना. तो किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवासियों को हरा हरा कर उन पर रूल करना शुरू कर दिया, कैसे उन्होंने अलग अलग जो राज्य थे उनके रूलर्स को हराया और उनके राज्यों पर कब्जा किया, इसकी कुछ झलकियां हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. तो ये जो हमारे पास पहली कॉमिक स्ट्रिप है, इसमें भारत की इमेज है, भारत का मैप दिखाया गया है, और ऊपर ये लिखा गया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के हथियार थे. उनकी मदद से वो 18वीं शती के भारत में अपनी पावर को बढ़ा रहे थे. आगे नेक्स्ट कॉमिक स्ट्रिप में लिखा गया है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. शॉर्ट साइटेड मींस वो छोटे गेन्स, मोमेंटरी गेन्स की तरफ एम करते थे. वो लंबा नहीं सोच पा रहे थे, दूर का अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे थे. दैट अपस्टार्ट राजा ब्लैक कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब ये कौन कह रहा है? ये एक राजा है, वो दूसरे राजा के लिए कह रहा है. अपस्टार्ट मीन्स समथिंग दैट इज न्यू, न्यूली कोई चीज जो राइज करती है, यानी कि कोई चीज जो नई नई बड़ी बनी है. वन हु हैज रिजन रिसेंटली, अ यंग न्यू कमर, मीन्स
यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो राजा है वो अभी अभी बहुत बड़ा राजा बना है, वैसे वो कुछ भी नहीं है। तो ये एक और राजा है, वो इस तरह से किसी और राजा के बारे में कह रहा है। वो दूरदर्शी नहीं है, वो शॉर्ट साइटेड है, अभी उसे ऐसा लग रहा है कि एक और राजा है जो वो बहुत पावरफुल बन गया है, इसीलिए वो क्या चाहता है, वो इंग्लिश मर्चेंट्स यानी कि ब्रिटिशर्स की मदद लेना चाहता है उस राजा को डिफीट करने के लिए, उसे हराने के लिए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब लोगों में अमन और शांति नहीं थी, वो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। इसी चीज का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब उन्होंने देखा कि भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, उनके राजाओं में आपस में एकता नहीं है, अमन शांति नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इस चीज का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। आगे लिखा गया है, द राइवलरीज हेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरी मीन्स आपस में आपका जो कॉम्पिटिशन चलता है। Subdue means to bring under control, अपने control में किसी चीज को लाना, अपने वश में किसी चीज को लाना। तो यहां पर हमें राइटर बता रहे हैं कि जो rivalries थी, जो competitiveness चलती थी अलग अलग राजाओं के बीच में, उसकी मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत बड़ी पॉलिसी अपनाई, वो क्या थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के बारे में आप सब ने अपनी हिस्ट्री में भी चैप्टर में भी पढ़ा होगा। डिवाइड एंड रूल क्या होता था, वो अलग अलग राजाओं को आपस में अमन और शांति और दोस्ती से नहीं रहने देते थे, उन्हें डिवाइड कर देते थे। और फिर उन्होंने क्या किया, जब सबको आपस में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर उन सब पर एक एक करके वो रूल करने लग गए। तो ये जो चीज थी, इसकी वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से सारे भारतीय राजाओं और राजकुमारों को अपने कंट्रोल में ले आई। अगले कॉमिक स्ट्रिप में हमें टीपू सुल्तान के बारे में बताया जा रहा है। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। फार सीइंग मींस दूरदर्शी, हिंदी में हम इसे कहते हैं दूरदर्शी, जो दूर का सोच सकता है, जो अपने फ्यूचर को फोरसी कर सकता है। अब बाकी सारे राजा तो शॉर्ट साइटेड थे, लेकिन एक ऐसा राजा था जो बहुत ब्रेव भी था और दूरदर्शी था, वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता था। वो कौन था, मैसूर का टीपू सुल्तान। वो ब्रिटिशर्स की बातों में नहीं आया और वो अंतिम दम तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ता रहा। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग राजाओं के राज्यों पर कॉन्क्वेस्ट कर रही थी, उन्हें हरा रही थी, तो जो भारत के आम लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, आइए देखते हैं। पहले स्ट्रिप पे हमें बताया गया है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। थग्स मींस चीट, धोखेबाज लोग। नेक्स्ट बंदा कहता है, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। और एक और व्यक्ति कहता है, आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। डेस्टिनी मींस आर किस्मत, हमारा फ्यूचर। तो ये जो तीन लोग हैं, ये आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा खुश हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सारे राज्यों पर रूल करना शुरू कर दिया, उससे अब वॉर्स खत्म हो गई हैं, देश में शांति है, और जो चीट्स हैं, जो चोर हैं, वो भी अब लूटपाट नहीं करते। एक और व्यक्ति को लग रहा है कि ब्रिटिशर्स तो भगवान के भेजे हुए मैसेंजर्स हैं, जो कि उनकी किस्मत को अच्छा कर देंगे, किस्मत को इम्प्रूव कर देंगे। इससे हमें एक ओवरऑल ये ओपिनियन देखने को मिल रही है कि इंडियंस को बहुत अच्छा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स भारत में आ गए हैं। इन नेक्स्ट कॉमिक स्ट्रिप में वो कहते हैं, द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो ये जो तीन व्यक्ति हैं, ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, इनकी ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कह रहे हैं कि जो व्हाइट मैन है, व्हाइट मैन यहाँ पर कौन है, ब्रिटिशर्स, तो कह रहे हैं कि गोरों ने हमारे राजाओं को उनके थ्रोन से हटा दिया है। डी थ्रोन्ड मीन्स रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। थ्रोन क्या होता है, जो राजगद्दी होती है। तो वो कहता है कि गोरों ने हमारे राजा को उसकी राजगद्दी से हटा दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि कुछ राजा तो अच्छे नहीं थे, लेकिन चलो
वो हमारे तो थे, वो हमारे लैंड को ही बिलोंग करते थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति कहता है अब तो हम स्लेव्स बन गए हैं, अब हम फॉरेनर्स के नौकर बन गए, मीन्स बाहर से कोई आया ब्रिटिशर्स और वो आकर हम पर राज कर रहे हैं और हम अपने ही देश में होते हुए उनके गुलाम बन गए हैं। तो ये दो जो पक्ष हैं लोगों के, इनकी ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वाला पक्ष तो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स का आना अच्छा है और ये वाला पक्ष कह रहा है कि ब्रिटिशर्स का भारत में आना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट कॉमिक स्ट्रिप में हम देखेंगे स्टोरी नंबर 3, ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टिल 1836। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया था भारतवासियों पर, उसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने ट्रेडिंग से लेकर रूल करने का जो सफर है वो तय किया। पहले कॉमिक स्ट्रिप में बताया जा रहा है रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो भारत में किस तरह का समय, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, जो रिलीजियस लीडर्स थे वो लोगों को क्या सिखाते थे, छुआछूत, यानी कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनसे छुआछूत की प्रैक्टिस की जाए और जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ही बचपन में ही मैरी कर दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज की प्रथा प्रेवलेंट थी। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था भारत में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। नेक्स्ट ट्रिप में बताया जा रहा है कि एक गुरुजी हैं, वो सब लोगों को क्या कह रहे हैं, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू विमेन। तो एक तो व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर आप सात समुंदर पार करके फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेते हैं, और एक और रिलीजियस लीडर सबको कह रहा है कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, मिजरी मीन्स सैडनेस, जितने भी दुख हैं वो सब विमेन की वजह से ही हैं। तो कितनी सारी गलत तरह की धारणाएं थी भारत में, कितनी सारी गलत तरह के विचार लोगों के मन में थे। अब नेक्स्ट ट्रिप में हम क्या देख रहे हैं, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। स्कॉन मीन्स टू ट्रीट विद लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो इस ट्रिप में हमें ये बताया जा रहा है कि जो सच्ची बात है वो ये है कि भारत लोग, भारतवासी सेल्फ रिस्पेक्ट करना छोड़ गए थे, वो अपनी इज्जत नहीं करते थे, वो अपने आप को खुद ही नीचा समझते थे और ब्रिटिश भी उन्हें इज्जत से ट्रीट नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स भारतवासियों की बेइज्जती करते थे। अगली स्ट्रिप में हम क्या देख सकते हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब एक ब्रिटिशर दूसरे ब्रिटिशर को कह रहा है, नेटिव्स, यहां पर नेटिव्स कौन है, भारत के रहने वाले लोग यानी कि इंडियंस, तो कह रहा है कि जितने भी भारतवासी हैं उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो सच्चे नहीं हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं। लेकिन एक भारतवासी है जो वो खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर और वो क्या कहता है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो वो उसे कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मैं सच्चा हूं, ऑल्दो मैं भी एक भारतवासी हूं लेकिन मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो आदमी है ये बाकी भारतवासियों की बेइज्जती सह सकता है, ये इस ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं कह रहा, इसी चीज की वजह से ही ब्रिटिशर्स हम पर राज कर सके। नेक्स्ट ट्रिप में हमें बताया जाता है, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अबैंडन मीन्स टू लीव एंड रन अवे। मर्चेंट्स मीन्स ट्रेडर्स। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर्स थे और वो प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए भारत में आए थे, और वो क्या कर रहे थे, वो फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे जिसकी वजह से फार्मर्स वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या करते थे, वो अपने खेतों को छोड़कर वहां से भाग जाते थे क्योंकि नहीं तो ब्रिटिशर्स उन्हें टॉर्चर करेंगे। But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. अब बेचारा एक गरीब सा किसान है, वो ब्रिटिश को कह रहा है कि तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल लेकर जा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा जब सारी फसल तुम ही ले जाओगे। तो arrears means money outstanding.
मींस अभी भी आपने किसी को पैसे देने हैं। तो ये ब्रिटिश ऑफिसर उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारे जो एरियर्स पड़े हैं, मींस अभी भी तुमने हमें और पैसे देने हैं, और अगर तुम पूरे पैसे नहीं चुकाओगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से इस फार्मर को तंग किया जा रहा है। एक तो वो उसके सारे क्रॉप्स को ले गए, उसकी सारी फसल ले गए, और फिर भी उसे कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हें और पैसे चुकाने हैं, तुम पे कर्जा बाकी है, और अगर तुम वो नहीं चुकाओगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इनएविटेबली फैमाइंस फॉलोड। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। फैमाइन मींस भुखमरी, आपको खाना नहीं मिल रहा बिकॉज वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, कोई फसल नहीं उगी। इनएविटेबली मींस अनअवॉइडेबली, जिस चीज को अवॉइड ना किया जा सके, जो चीज होनी ही होनी है। स्टार्वेशन मींस लैक ऑफ फूड। अब बहुत सारे फैमाइंस हुए क्योंकि जब जो फार्मर्स थे वो अपनी खेत को छोड़कर ही भाग गए, उनकी सारी फसल तो ब्रिटिशर्स ही ले गए, तो जितने भी लोग थे भारत में उन्हें खाना नहीं मिला और अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 1822 से लेकर 1836 के बीच में 15 लाख भारतवासी स्टार्वेशन की वजह से मर गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब इस चीज की वजह से भी ब्रिटिशर्स पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें तो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने थे, इसलिए उन्होंने नए तरीके अपनाए, नए तरीके निकाले जिनकी मदद से वो और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, अ गुड आइडिया। तो ये दो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब उनका ये नया प्लान है अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाने का, तो वो क्या कहते हैं कि हम इंग्लैंड से सामान बनाकर इंडिया में लेकर आएंगे और उसे बेचेंगे। मींस इंडियंस जो चीजें यूज करते हैं वो भी इंग्लैंड में बनी होंगी, वो इन चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे ताकि वो चीजें सस्ती हों। जब सामान सस्ता होगा तो ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे, और जब लोग सामान इंग्लैंड का बना हुआ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उसको बनाने वाला इंग्लैंड में रहता है, उसे पैसे मिलेंगे और भारत के लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल मींस टू डैमेज। अब पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जो फार्मिंग थी उसे खत्म कर दिया, सारे जो फार्मर्स थे वो अपनी फील्ड्स को छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हमारी इंडस्ट्रीज को भी क्रिपल कर दिया, उन्हें भी डैमेज कर दिया, इंडस्ट्रीज भी बंद होने लग गई क्योंकि इंग्लैंड से बनकर सस्ता सामान आकर भारत में बिकने लग गया। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। रूइंड मींस तबाह कर देना। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उन्होंने भारत के जो इतने एक्सपर्ट और स्किल्ड कारीगर थे उन्हें और उनके बिजनेसेस को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके द्वारा बनाई गई चीजें महंगी थी और कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था, सब लोग इंग्लैंड में बनी हुई चीजें खरीद रहे थे। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है राम मोहन रॉय की स्टोरी, फ्रॉम 1772 टिल 1833। राजा राम मोहन रॉय वॉज नोन एज अ सोशल रिफॉर्मर, मीन्स उन्होंने सोसाइटी में चलने वाले बहुत सारी जो मिथ्स हैं, बहुत सारी जो सुपरस्टिशंस हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश की। पहली स्ट्रिप में हमें इंट्रोडक्शन दी जा रही है, राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। नाउ राम मोहन रॉय एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ये बंगाल को बिलोंग करते थे, इन्हें ये समझ में आ रहा था कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Ram Mohan Roy अपने एक दोस्त को कह रहे हैं, Let us not despise ourselves. Despise means hate or dislike. Our ancient culture is great. फिर वो कहते हैं वी मस्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। रिफॉर्म मींस टू इम्प्रूव। सुपरस्टिशन मींस बिलीव्स लाइक मैजिक, विचक्राफ्ट,
or some certain beliefs which are not scientifically supported. Ruining again means destroying. तो वो अपने मित्र को ही कह रहे हैं कि हमें अपने आप को हेट नहीं करना चाहिए. ये जो भारतवासियों में एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है वो ही हमें खराब कर रहा है. हमारा कल्चर तो बहुत महान है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास होना चाहिए. सबसे पहले तो हमें अपनी सोसाइटी में जो सुपरस्टिशंस चल रही हैं, जो ऐसे बिलीव्स चल रही हैं, जो मनगढ़ंत धारणाएं चल रही हैं, उन्हें खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं की वजह से हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. अब राम मोहन ने अपनी वाइफ उमा से कहा कि अलग अलग गायें अलग अलग रंगों की होती हैं, लेकिन वो जो मिल्क देती हैं उसका सेम एक ही कलर होता है. इसी तरह से जितने भी रिलीजियस टीचर्स हैं वो हमें अलग अलग बातें अलग अलग विचार बताते हैं, लेकिन हर धर्म का जो एसेंस है, एसेंस क्या होता है, उसका निष्कर्ष, उसका जो निचोड़ है, वो हर रिलीजन का सेम होता है. हर धर्म हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए, हम सब भाई हैं, हम सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, हम भगवान हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है, भगवान सबको देख रहा है. तो हर धर्म एक ही चीज सिखाता है. ये चीज राम मोहन ने अपनी वाइफ को कही. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. अब राम मोहन को साइंस और मॉडर्न नॉलेज भी पसंद थी और उन्होंने लोगों से कहा नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. प्रैक्टिकल मीन्स आपकी डे टू डे वर्किंग में वो यूज होनी चाहिए और साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए. तो उन्होंने लोगों को कहा कि इस तरह की नॉलेज लो जो आपके दिनचर्या में आपके काम आए और जिसका साइंटिफिक रेलिवेंस हो, जो लॉजिकल हो. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. राम मोहन ने कुछ newspapers भी स्टार्ट किए जिनके थ्रू वो लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो कि शक की भावना रखते थे उन्होंने ये newspapers 1823 में बंद करवा दिए. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. अब राम मोहन में क्यूरियोसिटी आ गई ये देखने की कि ब्रिटिशर्स इतने ताकतवर कैसे हैं. इसलिए उन्होंने सात समुंदर पार किए और वो इंग्लैंड चले गए. तो ये जो रिलीजियस टीचर्स का कहना था कि सात समुंदर पार जाने से आप अपने रिलीजन से अलग हो जाते हैं, उन्होंने इस धारणा को भी बदलने की कोशिश की. जब वो इंग्लैंड गए वहां पर उन्होंने ब्रिटिशर्स से कुछ कहा. आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा. We accept you as rulers and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. Subjects word का यहाँ पर meaning क्या है? Someone under the control of another. ठीक है, तो यहाँ पर जो आम प्रजा है वो राजा के कंट्रोल में होती है. राम मोहन ने ब्रिटिशर्स को कहा कि हम ये मानते हैं कि तुम हमारे रूलर्स हो और हम तुम्हारी प्रजा हैं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि हर एक राजा की उसके प्रजा के तरफ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाया कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ेंगी अगर तुम हम पर राज करना चाहते हो. नेक्स्ट स्टोरी इज नंबर 5 ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम 1765 टिल 1835. ऑपरेशन का मतलब क्या है? टू बर्डन बाय रॉन्ग यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करना, गलत यूज करना और दूसरे व्यक्ति को उसके साथ बर्डन करना, यानी कि दूसरे व्यक्ति पर अपनी पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके उसे तंग करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. अब इस कॉमिक स्ट्रिप में सबसे पहले हमें बताया जाता है बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. अब राम मोहन की बातों का ब्रिटिशर्स पे कोई असर नहीं पड़ा. वो भारत के लोगों को ऑप्रेस करते जा रहे थे और 1818 में उन्होंने एक ऐसा लॉ निकाला जिसका नाम था रेगुलेशन 3.
इस लॉ के अंतर्गत बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के वो किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकते थे। नेक्स्ट ट्रिप में बताया जा रहा है, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। फॉर्च्यून्स मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब एक तरफ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो भारत के लोगों को अप्रेस कर रहे थे, और साथ ही साथ जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे भारत में वो बहुत सारी सैलरी भी ले रहे थे और बिजनेस करके उसमें भी बहुत सारे पैसे भी कमा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा था भारत के लोगों में और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब हम नेक्स्ट ट्रिप पर चलते हैं। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. Prospered means grew, flourish. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 1829 year में Britain क्या कर रहा था, 7 करोड़ रुपए का ब्रिटिश गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा था, इंडिया में सेल हो रहा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे थे, वो भारत के लोगों को लूट रहे थे टैक्सेस के जरिए और सैलरीज ले रहे थे, और भारत की जो इंडस्ट्री है वो खत्म होने लग गई थी। जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बंद हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब फॉरेन से सस्ता सामान आ रहा था भारत में तो वही लोग खरीदेंगे, कोई भी भारतीय सामान नहीं खरीद रहा था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल बेंटिक ने ब्रिटेन में जो उनकी क्वीन थी उन्हें ये रिपोर्ट दी कि बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जितने भी कॉटन वीवर्स हैं भारत में उनके अब बिजनेस खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री शट हो रही है, और जब उनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, जब वो कामकाज नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो उनकी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। जब वो मर जाएंगे तो उनकी जो हड्डियां हैं, जब उन्हें जला दिया जाएगा, उनकी हड्डियां हमारे सॉइल में मिल जाएंगी, भारत के प्लेन्स में, यानी कि भारत का जो सॉइल है उसमें उनकी राख मिल जाएगी, और वो उस सॉइल को ब्लीच करेंगे, यानी कि उसे साफ करेंगे। तो वो इस स्टेटमेंट से क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि धीरे धीरे जब भारत की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और बंद हो जाएगी, तो जितने भी वीवर्स हैं जो इंडस्ट्री में फैब्रिक वीव करते हैं वो मर जाएंगे, और मर के उनकी जो हड्डियां हैं वो भारत की सॉइल में मिल जाएंगी और उसे साफ करेंगी। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। यहां पर 1835 से 1856 का टाइम कवर किया गया है। पहले कॉमिक स्ट्रिप पे हमें बताया जा रहा है, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। तो ये दो लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंडिया में एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. अब ये एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था Macaulay, उसने हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंज को सजेस्ट किया। We should teach the natives through the English language. और दूसरे अफसर ने कहा I agree. तो Macaulay ने कहा कि हमें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और दूसरे अफसर ने भी उसे एग्री कर दिया। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. Intellectual is such a person who has higher ability to think and understand. इंटेलेक्चुअल के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, हाई ब्राउ। मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके सोचने और समझने की शक्ति आम लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, जब इंग्लिश एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस हुई तो उससे क्या हुआ, क्लर्क्स बने। क्लर्क्स मीन्स ऐसे लोग जो ऑफिशियल काम करते हैं। जब जो क्लर्क्स बने उन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने ही डिपार्टमेंट्स में इम्प्लॉय कर लिया और उन्हें पेटी जॉब्स दे दी। पेटी मीन्स वेरी स्मॉल,
तो उन्हें छोटी छोटी नौकरियां दे दी जिससे कि उनका दिन का गुजारा चल जाता था। लेकिन एक और जेनरेशन बनी भारत में इंटेलेक्चुअल्स की। जब उन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी तो कुछ ऐसे इंटेलिजेंट लोग भी थे जो उसे पढ़कर ये समझने की कोशिश करने लग गए कि भारत के लोगों में और ब्रिटिशर्स में ऐसा क्या फर्क है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे हैं। वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये बातचीत कौन कर रहा है? ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं? हमें अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहिए और उनकी मटेरियल कंडीशन, मटेरियल मींस मॉनेटरी या फाइनेंशियल, मींस उनके पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा पैसे कमा सकें। इसके लिए उनके जो दुख दर्द हैं, उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी पड़ेंगी। कन्वे मींस किसी को बताना। तो कहते हैं कि हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताना पड़ेगा कि भारत के लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक भारत पर, पूरे भारत पर ब्रिटिश ने अपना राज सेट कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। उन्हें भारतवासियों की जरूरतों के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। वो भारत पर राज कर रहे थे लेकिन वो रूलर्स थे, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बॉदर्ड नहीं थे। तो जो चीज राम मोहन ने उन्हें कही थी वो चीज वो अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। राज तो कर रहे थे लेकिन अपने प्रजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। You only talk, do something to drive them out. तो अब हम देख सकते हैं कि जो कॉमन इंडियंस थे उनकी सोच में किस तरह से फर्क पड़ गया। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनके साथ क्या किया है। तो सोच रहे थे कि हमारे जितने भी राजा हैं वो तो अब ब्रिटिशर्स के हाथों में पपेट बन गए हैं, खिलौना बन गए हैं। जिस तरह से ब्रिटिश उन्हें कहते हैं वो वैसे ही करते जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि अब हमारी जॉब्स भी खत्म हो गई हैं, अब हमारे पास कोई काम भी नहीं रहा। दूसरा व्यक्ति कहता है और तो और उन्होंने हमारी लैंड भी हमसे छीन ली है। और तीसरा व्यक्ति कहता है कि वो हमारे भाइयों को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, मींस वो उनका रिलीजन भी चेंज कर रहे हैं, उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो हिंदू रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन रिलीजन को अपना ले। एक और व्यक्ति कहता है कि तुम सब सिर्फ बातें कर सकते हो, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम ब्रिटिशर्स को भारत से निकाल पाएं। तो अब हम देख सकते हैं किस तरह से पहले तो हमने ब्रिटिशर्स को भारत में आने दिया, उनका राज जमाने में मदद की, ये सोचकर कि वो अच्छे हैं और ये सोचकर कि हम यानी कि भारत के लोग तो बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है। जब वो हम पर राज करने लग गए, उन्होंने अब पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर अपना राजपाट जमा लिया और वो हम पे एट्रोसिटीज करने लग गए, फिर हमें ये रियलाइज होने लग गया कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम पहले वाला समय बेटर था। और फिर हम ये सोचने लग गए कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम उन्हें यहां से निकाल सकें। तो ये जो स्टार्ट हुआ ये सारा सिस्टम जो ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर पाए, ये किस वजह से स्टार्ट हुआ? भारतवासियों के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। नेक्स्ट स्टोरी इज स्टोरी नंबर 7, द स्पार्क्स। फ्रॉम 1855 टिल 1857, स्पार्क क्या होता है? चिंगारी। तो यहां पर हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चिंगारियों के बारे में पता चलेगा जो भड़कती गईं और फाइनली जिन्होंने हमारे अंदर आजादी की आग जगाई, आजादी की भूख जगाई। पहले कॉमिक स्ट्रिप में बताया जा रहा है, टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स इन बंगाल, द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। अब जितने भी पेजेंट्स या फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। बंगाल में जो संथल्स थे, ये एक ट्राइब है पेजेंट्स का, वो भी अपने लैंड्स को लूज कर गए थे। उनके लैंड्स अब उनके पास नहीं थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई नए रूल्स इम्पोज कर दिए थे। 1855 में ये जो संथल्स थे पेजेंट्स,
इन्होंने रिबिलियन की, रिबिलियन मीन्स रिवोल्ट, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए, इन्होंने अपनी आवाज उठाई और इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को मैसेकर कर दिया। मैसेकर मीन्स किल डेलिबरेटली एंड ब्रूटली। तो संथल्स ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स और उनके सपोर्टर्स को मारा। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ब्रूइंग मीन्स पकना, डिसकंटेंट मीन्स अनहैप्पीनेस, डिससेटिस्फैक्शन। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें भी कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे, वो उनके साथ खुश नहीं थे। द व्हाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स, व्हाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। पिटेंस मीन्स किसी पर तरस खाके उसे थोड़ा सा कुछ दे देना। टू हैव पिटी ऑन समवन एंड गिव हिम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, जैसे कि हम भीख भी कहते हैं, किसी को भीख दे देना। तो यहां पर सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे हैं कि जो व्हाइट सोल्जर है यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर है उसे तो बहुत ज्यादा पे मिलती है, बहुत सारी तनख्वाह मिलती है, वो बहुत बड़े बड़े घरों में रहता है और उसे नौकर चाकर भी मिलते हैं, लेकिन हमें तो एक भीख की तरह वो थोड़े से पैसे दे देते हैं और हमारी तरक्की भी बहुत धीरे धीरे होती है। इस तरह की डिसकंटेंट और अनहैप्पीनेस आ रही थी इन ब्रिटिशर्स की आर्मी में। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अंग्रेज यहाँ पर एक हिंदी का वर्ड है, इसे हम ब्रिटिशर्स कह सकते हैं। तो एक और जो सोल्जर है वो कहता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम सात समुंदर पार करके जाएं, लेकिन ये हमारे धर्म के खिलाफ है, तो वो हमें धर्म भ्रष्ट करने पर मजबूर कर रहा है। एक और व्यक्ति कहता है कि जो टोपी वाला है यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो हमारे कस्टम्स को, हमारे रिवाजों को खत्म करने वाला कौन होता है, हमें इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। एडजुटेंट इज अ मिलिट्री ऑफिसर। ये एक बहुत ही फेमस रिवोल्ट हुआ था, इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है। सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने अपनी जो रेजिमेंट थी यानी कि जो आर्मी की कंटिंजेंट थी, जो आर्मी की रेजिमेंट थी, उसका जो ऑफिसर था इंचार्ज उस पर अटैक किया और ऐसा करने के लिए उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी कि उसे मार दिया गया, डेथ सेंटेंस दे दी गई। अब मंगल पांडे के मरने की वजह से आर्मी में और सारे रिवोल्ट्स भी हुए। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। अब जब इतने सारे सिपाहियों ने देखा कि उनके फेलो सिपाही मंगल पांडे को मार दिया गया तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। स्ट्रिप्ड मींस उनकी यूनिफॉर्म उतार दी गई। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इन सिपाहियों की यूनिफॉर्म्स उतार दी, उन्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, बेइज्जत करने की कोशिश की। और फिर पुट इन आर्म्स मींस उनको लोहे की जो हथकड़ियां हैं और जो संगलियां हैं वो पहना दी गई एज अ पनिशमेंट। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब इतना कुछ जब हो रहा था तो कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे जो कि भारत के कस्टम्स, भारत के रिवाजों और भारत के लोगों के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। वॉट द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। डिसीव्ड मीन्स चीटेड, धोखा देना। तो जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें एक व्यक्ति ने ये बताया कि तुम एक ब्राह्मण सोल्जर हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब तुम बंदूक चलाते हो तो उस पे जो बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगा हुआ होता है वो गाय और पिग के फैट से बना हुआ होता है। तो तुम क्या करते हो जब तुम उस बुलेट को चबाते हो, तो तुम गाय और पिग के फैट को चबा रहे हो जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है।
जब ये चीज सोल्जर को पता चली तो उसे ये लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को धोखा दे रहे हैं, हिंदूज और मोहम्मडंस दोनों को ही धोखा दे रहे हैं क्योंकि वो उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज। तो अब क्या हुआ, सभी गांव के लोगों को ये मैसेज भेजा जा रहा था कि जितने भी राजा हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उठेंगे, इसलिए सब लोगों को उनके राजा की मदद करने की जरूरत पड़ेगी और उन्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो जितने भी विलेजेस के इंचार्ज थे, जिसे सरपंच कहते हैं, वो आगे मैसेज भेज देते थे कि मेरे गांव के सब लोग तैयार हैं राजा की मदद करने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, डेड टू द फॉरेनर, द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स। पेट्रियट कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, देशभक्त। जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो भी आपस में लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट कर रहे थे एज अ सिंबल ऑफ बीइंग विद देयर कंट्री। तो वो आपस में एक दूसरे को ये मैसेज भेज रहे थे कि हम अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं और हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं। वो सब भी ये नारा लगा रहे थे कि अब हम ब्रिटिशर्स को मार देंगे। फॉरेनर यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स। जितने भी लोग थे, मासेस मीन्स द कॉमन पीपल, वो सब मदद कर रहे थे देशभक्तों की। जो लोग हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स, उनकी सब लोग मदद कर रहे थे, सब उन्हें शेल्टर दे रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। किस तरह से हमारा देश अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट में उठा और जो पहला रिवोल्ट था वो 1857 में हुआ। Then there was a violent outbreak at Meerut. Outbreak means a revolt. तो जो पहला major revolt था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो हुआ था मेरठ में। The sepoys marched to Delhi. जितने भी सिपाही थे वो दिल्ली तक मार्च करते हुए गए। Long live our Emperor Bahadur Shah. तो इन सिपाहियों ने क्या कहा कि जो हमारा Emperor है बहादुर शाह, ये एक मुगल था, इसकी लंबी उम्र हो। सब लोग ये चाहते थे कि वापस से इस एम्परर का राज आ जाए और ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले जाएं। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर, रिबिलियन हियर मींस द प्रोटेस्ट। धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरे देश में फैलने लग गया। मेनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर। सोर मीन्स देवर हर्ट, देवर एंग्री, देवर डिसअपॉइंटेड। बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके लैंड को ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज की वजह से उनसे हड़प लिया था। ये सब भी बहुत तंग थे ब्रिटिशर्स की वजह से। द व्हाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो एक व्यक्ति ने कहा कि जो गोरे हैं इनका रूल अब खत्म हो जाना चाहिए, और लोगों ने कहा कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। मीन्स एक ही सहमति थी आपस में सभी लोगों की कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें भारत से निकालना ही है। नेक्स्ट स्टोरी है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। तो किस तरह से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बिटर मींस एंग्री और हर्ट। तो ब्रिटिशर्स के राज से पहले हमारे देश में अलग अलग राज्य थे और उनके अलग अलग रूलर हुआ करते थे। तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स से गुस्सा थे, नाराज थे। उनमें से एक एग्जाम्पल है बेगम हजरत महल का, जो लखनऊ से थी। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। अब बेगम हजरत महल ये सोच रही हैं कि जो गोरे हैं इन्होंने मेरा राजपाट मुझसे छीन लिया। अपसर्ज मीन्स इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एक रिवोल्ट चल रहा था, इन सब राजाओं ने भी उस रिवोल्ट को ज्वाइन किया और उसे बढ़ाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पर। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड अलाहाबाद। अब बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से थे, उन्होंने लोगों को कहा उठो
अंग्रेजों के खिलाफ उठो, आवाज उठाओ, क्योंकि वो हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और अलग अलग जगहों में जैसे कि बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, ये तीन सिटीज हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे रिवोल्ट्स उठने लगे। लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू की। एज़मुल्लाह खान टोल्ड तात्या तोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। अज़ीमुल्लाह खान ने तात्या तोपे से कहा कि हमें पेशवा नाना साहेब, जो एक पेशवा थे, उन्हें इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना लीडर बनाना चाहिए। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि जो भारत के अलग अलग राज्य थे, जैसे कि राजपूत थे, मराठास थे, सिख्स थे, जाट थे, नवाब थे, वो सब अलग अलग की बजाय अब एक होने लग गए, एकजुट होने लग गए, एकजुट होने लग गए अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जब हम एक हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो ही हम एक जो कॉमन एनिमी है उसे हरा पाएंगे। द पेट्रियट्स यानी के जितने भी देशभक्त थे, उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर पाउंस अपॉन किया, यानी कि उन पर अटैक किया और बहुत ही बड़े बड़े बैटल्स लड़े गए नॉर्थ इंडिया में। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो यहां पर हम इस कॉमिक स्ट्रिप को देखकर इस चीज को समझ सकते हैं। कुंवर सिंह एक राजा थे बिहार के, जब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो उनकी कलाई में गोली लग गई। वो एक बोट में बैठे हुए थे और वो गंगा नदी में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तलवार लेकर अपनी कलाई को काट दिया। तो जिस कलाई में गोली लगी थी उन्होंने वहां से अपनी बाएं को काट दिया ताकि इसका असर पूरे शरीर में ना पहुंच सके, और उन्होंने अपने इस कटे हुए हाथ को गंगा नदी में ही गेट दिया और गंगा माँ को कहा कि ये मेरी आखिरी ऑफरिंग है आपको। तो उन्होंने अपने इस हाथ को भी गंगा नदी को सौंप दिया, उसे बलिदान में त्याग दिया। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी ब्रेवरी के साथ हमारे रूलर्स ने लड़ाई की, एकजुट होके वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े और तभी वो हमें आजादी दिला पाए। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। और बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि जो हमें आजादी मिली 1947 में, वो बहुत प्रेशियस है। उसे लेने के लिए हमारे रूलर्स ने और हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लड़ाई की एकजुट होकर, तभी वो आज हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट इंडिया लेकर आए हैं और एक फ्री कंट्री, एक फ्री लाइफ उन्होंने हमें दी है, जिसका हमें बेस्ट यूज करना चाहिए और हमें अपने देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं या कोई सवाल है, आप कमेंट्स में लिखिए और हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।